केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ अब मध्य प्रदेश में भी किसान सड़क पर उतरने लगे हैं। रविवार को जयपुर जिले में किसान संगठनों ने एकजुट होकर केंद्र के नए कृषि बिल का विरोध किया। देखें ये खास रिपोर्ट। पंजाब, हरियाणा और यूपी के बाद अब एमपी में भी किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसान संगठन कृषि विधेयकों के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। रविवार को श्योपुर में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में किसानों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। किसानों ने अपने शरीर पर मैं किसान हूँ, मेरा धर्म किसान है स्लोगन लिखते हुए बैनर के साथ प्रदर्शन करते हुए नजर आए। किसान नेता अनिल सिंह ने मोदी सरकार पर व्यापारिक घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए नए कृषि कानून लाने का आरोप लगाया है। केंद्र सरकार ने कोविड का जो है महामारी का आलम्बन लेते हुए अध्यादेश लेके आई थी किसानों को हित में बताते हुए, जबकि वो किसानों के हित के अध्यादेश नहीं है। वो कारपोरेट जो घराने हैं दो, वो इस केंद्र सरकार के संरक्षक हैं, इनके फाइनेंसर हैं, उन लोगों को मजबूत करने के लिए निरंतर ये जो है तीन अध्यादेश लेके आए और संसद में उसको राज्यसभा में बहुमत न होते हुए भी जबरदस्ती स्पीकर के सहयोग से तानाशाही करते हुए लोकतंत्र की हत्या करते हुए पारित करवा लिया और उसको जबरदस्ती थोपना चाहते हैं। ये कहते हैं कि इससे आपको लाभ मिलेगा, वो कानूनों को लागू होने के बाद वन नेशन वन मार्केट होगा। आज उत्तर प्रदेश का किसान हरियाणा में जाके धान बेचता था, लेकिन वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश के किसान को इसी समय पे हरियाणा में धान बेचने से अपना मना कर दिया गया है। तो इसलिए ये एक धोखा है। मोदी सरकार के जितने वायदे, चाहे नोटबंदी का हो, चाहे जीएसटी का हो, या सीएएनआरसी का हो, या ये अब ये जो वायदा हो, जिनको बड़े क्रांतिकारी कदम उठाकर बताते हुए उन्होंने संसद में पारित करवाया जबरदस्ती लोकतंत्र की हत्या करते हुए हरेक कानून को, वह सभी किसान विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं, रोजगार विरोधी हैं, व्यापारी विरोधी कानून हैं, उपभोक्ता विरोधी भी कानून है ये। इन तीन कानूनों के आने के बाद में किसान पूरी तरह से कॉरपोरेट कंपनियों का गुलाम हो जाएगा और उपभोक्ताओं को भी भयंकर महंगाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम देश के अन्नदाता किसान, जो 60-65-70 करोड़ किसान हिंदुस्तान के अंदर हैं और लगभग भारत की पूरी अर्थव्यवस्था कृषि के ऊपर निर्भर है, तो पूरे किसानों का नहीं है, पूरे देश का आंदोलन है और सभी लोगों को धीरे धीरे जागृति इस विषय में हम करने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री का ये जिला है, इसलिए हम विशेष तौर पर अपनी सक्रिय भूमिका रखते हुए इन केंद्र काले कानूनों का विरोध कर रहे हैं और MSP गारंटी को इस कानून के तौर पर लाए। अगर किसानों का हितीय सरकार चाहती है और किसानों को लाभकारी मूल्य दिलवाना चाहती है, या ये कहती है कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे इस वायदे को, तो जब तक MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसको गारंटी से कानून नहीं बनाती, उससे कम पे फसल बिके तो उसके लिए अपराध घोषित नहीं करती, तब तक किसान का भला नहीं होने वाला है। एक अन्य किसान नेता राधेश्याम मीणा ने दिल्ली सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर हुई कार्रवाई का विरोध किया है। तो केंद्र सरकार किसान विरोधी काले कानून लेकर आई है, उसके विरोध में देश भर के किसान आक्रोशित है, विशेषकर पंजाब और हरियाणा के किसान आक्रोशित है। उन पर विशेष बल का प्रयोग करके उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। उनके ऊपर कई प्रकार से बल प्रयोग किया है, वो दिल्ली में अपना आंदोलन कर रहे हैं। कृषि मंत्री का ये संसदीय क्षेत्र है जो कृषि कानून लेकर आया है, तो हमारा भी श्योपुर जिले वासियों का और किसानों का दायित्व है यहाँ पर भी पुरजोर विरोध करना। तो इसी को लेकर हम सारे किसान संगठनों ने एक संयुक्त किसान मोर्चा बनाकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया है और जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, MSP कानून लागू नहीं होगा, देश भर के साथ श्योपुर में भी इस प्रकार से निरंतर विरोध प्रदर्शन होते रहेंगे। वहीं कृषि मंत्री कमल पटेल ने एक बार फिर नए कृषि कानून का समर्थन करते हुए इसके फायदे गिनाए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान की आय दोगुना करने का संकल्प लिया कि 2022 तक हम किसानों की आय दोगुना करेंगे,
और उसी तारतम्य में नए कृषि कानून में संशोधन किया गया है और उसका लाभ किसानों को मिलेगा, किसानों की आय दोगुना और अधिक होगी और उसका लाभ दिखने लग गया है। अभी महाराष्ट्र में 4 महीने पहले ही महाराष्ट्र के किसान जितेंद्र भोई ने अपनी मक्का की फसल लगभग 3,32,000 की एक व्यापारी को, दो व्यापारियों को बेची थी, लेकिन 4 महीने तक उन्होंने पेमेंट नहीं किया। किसान ने बड़वानी जिले के SDM पांसमेल के शिकायत की और SDM ने दोनों व्यापारियों को बुलाकर किसान का 3,32,617 का पेमेंट कराया। ये इसका सीधा सीधा ये किसान का लाभ हुआ। अगर ये कानून नहीं होता तो ये किसान को पेमेंट नहीं मिलता, और इसलिए ये जो नए कानून बने हैं ये किसानों के हित में, ये साबित होता है कि इससे किसानों को लाभ हो रहा है। आज मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी चर्चा की है। ये तो एक उदाहरण है, ऐसे लाखों करोड़ों उदाहरण आएंगे और किसानों को लाभ होगा, क्योंकि किसानों के लिए यह कानून वरदान साबित होगा। अभी तक किसान सिर्फ मंडी में और समर्थन मूल्य पर ही फसल बेच सकता था। जब किसान की खरीफ रबी की फसल आती तो मंडी में एक साथ इकट्ठी होती है और अधिक फसल आने से व्यापारी कम होते हैं, मांग कम होती, पूर्ति ज्यादा होती, इसलिए भाव गिरते हैं, उन्हें पौने भाव पर बेचना पड़ता था। लेकिन नए कानून के तहत अब कोई भी पैन कार्ड धारी लाइसेंस ले सकता है, खरीदी कर सकता है, उस पर कोई टैक्स नहीं है, पूरा देश एक बाजार हो गया है और उससे किसानों को प्रतिस्पर्धा में ज्यादा रेट मिलेंगे। किसान के खेत से, खलियान से, घर से कोई भी व्यक्ति व्यापारी माल खरीद सकता है बिना टैक्स के, कोई रोक टोक नहीं। और इसलिए अब किसान पहली बार आजादी के बाद किसान अपनी फसल की कीमत खुद तय करेगा। मैं किसान हूं, मेरे पास चना, गेहूं, सोयाबीन अच्छी क्वालिटी का है और बाजार में वो बिकता है, मान लो धान के लिए 2,000 या 5,000, समर्थन मूल्य उसका 5,000 है, बाजार मंडी के अंदर वो 4,800 बिक रहा है, लेकिन मेरे क्वालिटी अच्छी है, मेरे घर पे कोई व्यापारी आता लेना, मैं कहता हूँ ये 5,500 में दूंगा या 6,000 में दूंगा, लेना तो लो नहीं तो आगे बढ़ो। और अगर व्यापारी को लगता कि इसे लेने से उसको और अधिक पैसा मिलेगा तो किसान को 500,000 रुपये ज़्यादा ही मिलेंगे, तो ये किसान के फायदे में है, भुगतान की भी गारंटी है। और मैं तो किसानों से ये आह्वान कर रहा हूँ कि पहले अपना माल का सौदा करें, अपनी मर्जी से करें, पहली बार अपनी कीमत तय करने का किसान को मौका मिला है और उसको उससे अधिक मूल्य मिलेगा। किसान के वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग प्लांट भी डाल सकेगा। किसान को वेयर हाउस में, कोल्ड स्टोरेज में रखने से उसको बैंक से 75% राशि भी मिल जाएगी, जिससे वो अपना खाद बीज दवाई का पेमेंट कर सकेगा और जब रेट अच्छे आएंगे तब वो बेचेगा तो उसको 2 गुना 3 गुना 4 गुना जो व्यापारी और बिचौलिए कमाते हैं वो किसान कमाएगा। और इसलिए ये है कानून, देश हित के हैं, किसान हित के हैं, इससे किसान आत्मनिर्भर बनेगा, किसान की आय 2 गुना 4 गुना होगी, बिचौलिए खत्म होंगे और किसान आत्मनिर्भर बनेगा तो देश आत्मनिर्भर बनेगा। मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ किसानों की ओर से कि वाकई में ये किसानों के जीवन में एक नई क्रांति लाने वाला कानून है, ये किसानों की दशा और दिशा बदलेगा, ये तकदीर और तस्वीर बदलेगा और किसान को आत्मनिर्भर बनाएगा और किसान खेती भी करेगा, व्यापार भी करेगा, व्यवसाय भी करेगा और निर्यात भी करेगा, ताकि जो बिचौलिए कमाते थे वो किसान कमाएगा। कुल मिलाकर धीरे धीरे मध्य प्रदेश में भी कृषि कानून के खिलाफ किसान मुखर होते जा रहे हैं, ऐसे में शिवराज सरकार के लिए ये चिंता का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, श्योपुर।